हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मेरी तरफ बढ़िया ही होंगे। सो बढ़िया ही रहना। आज है ट्यूसडे, सो आज मैं जा रहा हूँ पंचमुखी हनुमान मंदिर। सो आपको भी दिखाते हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर, जो कि हर मंगलवार को वहाँ पे मतलब मेला लगता है। बाकी ये बिलासपुर में है, जो कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, और बिलासपुर से मतलब 5-6 किलोमीटर दूर है। सो अभी चलते हैं हम, आपको भी दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। बाकी अगर जो पुजारी जी मिलेंगे तो उनसे भी बात करेंगे, वहाँ श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे। सो निकल पड़े हैं ये हम। थोड़ा बहुत आपको रास्ता भी समझा देंगे। ये देखिए, ये मुख्य द्वार है मंदिर का। हाँ जी, तो ये पहुंच गए हैं हम। वैसे तो हर ट्यूसडे को मेला लगता है, आज इतने मतलब है नहीं इतना। इस समय बाहर भी बहुत अच्छा मेला लगा होता है, अंदर तो दिख रहा है, श्रद्धालु भी दिख रहे हैं। देखिए काफी अच्छी रेड़ियां लगी होती हैं बाहर तक, पूरा मेला तो लगा हुआ है। ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये पहले पूरा बाहर तक होता है, पता नहीं क्यों कम है, किस वजह से कम है, लेकिन फिर भी है, अच्छा है। ये देखिए, ये पूरा लगा हुआ है, ये काफी दुकानें लगी हुई है, पूरा देख पा रहे होंगे आप। ये श्रद्धालु भी काफी है। ये बाबा के झंडे जो है, ये देखिए झंडे, ये मेले, ये दुकानें पूरी है तो लगी रहती हैं, दुकानें हैं, बहुत श्रद्धालु आए हुए हैं, जाम लग गया है यहाँ पे। हाँ, पार्किंग की जगह है, देखिए कितनी पार्किंग, कितनी बड़ी पार्किंग है मंदिर की, बहुत बड़ी पार्किंग है। तो देखिए अपनी लगाते हैं पार्किंग में बाइक। इधर देखिए, ये पूरे प्रसाद की रेडियां लगी हुई हैं, ये पूरी प्रसाद की। ये देखिए झंडे, प्रसाद, भक्तों से बात करेंगे, भक्तों से भी बात करेंगे इनसे। तो लगाते हैं बाइक अपनी। सो हम जैसा कि पहुंच चुके हैं मंदिर में, आप ये देखिए, ये काफ़ी बड़ी पार्किंग है ये मंदिर की। ये देखिए पीछे गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये बाइक्स खड़ी हैं ये सारी। सो अभी पहले चलते हैं प्रसाद लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर पुजारी जी से बात हो जाए या किसी भी यहाँ बात हो जाए जो मंदिर के बारे में जानकारी दे सके अच्छे से, जो हम आपको बता सकें। सो अभी चलते हैं, पहले प्रसाद लेते हैं सबसे पहले जी। सो लड्डू का प्रसाद ले रहे हैं हम इन भैया से, इन भैया से ही पूछेंगे अगर इन भैया से बातचीत करें ये कुछ बता पाए मंदिर के बारे में। लड्डू ले लिया हमारे भैया से। जय श्री राम। जय श्री राम जी। मेरा तकरीबन 40-30 साल के करीब हो गया जी यहाँ का। 30 साल हो गया। हाँ जी, 30 साल यहाँ पे हो गए। कितना पुराना मंदिर है कुछ बता सकते हैं? ये तो जी प्राचीन है जी, 500 साल पुराना मंदिर है यहाँ से, कम से कम 500 साल पुराना है जी। आप 40 साल से यहाँ? 30 साल से मेरी 36 साल की उम्र हो गई है। अच्छा। 30 साल पहले 6 साल का मैं यहीं से हूँ, यहीं खाए पिए पले हम, इसी गांव के रहने वाले हैं। इसी गांव के रहने वाले हैं, यहीं आपका बचपन बीता? यहीं बचपन बीता जी। हाँ जी, प्रसाद ले लिया है। बाकी आपने देखा, हमने उनसे बात की जो हमारे साथ थे, यहाँ पर रेडी लगाते हैं कोई 30 साल से, कोई 35 साल से। सो अभी चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं, बाकी और श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे, वो भी दिखाएंगे आपको कि मतलब उनसे भी बताएंगे कि क्या मान्यता है उनकी, जितने मतलब इतना देखना मेला लगा रहता है हर बार यहाँ पे। अभी अंदर चलते हैं, पंडित जी से भी बात करेंगे, संतोष पंडित जी हैं, बाहर जो रेडी वाले भैया मिले थे उन्होंने बोला था कि हमारा नाम ले देना आप एक बारी, तो पंडित जी से बात हो जाएगी आपकी। तो चलिए मिलते हैं पंडित जी से। ये देखिए यहाँ श्रद्धालु बैठे हुए हैं। इधर से ये एंट्री है मंदिर की। ये देखिए कितने श्रद्धालु हैं, लंबी लाइन लगी हुई है। जय हो।
देखिए राम दरबार है। हाँ जी तो दर्शन हो गए आपने, बढ़िया, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए, एकदम अच्छे दर्शन हो गए हैं। मतलब अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, सो अभी मैं तो आपको दर्शन नहीं करा पाऊँगा, उसके लिए आपको खुद ही आना पड़ेगा यहाँ बालाजी का आशीर्वाद लेने, हनुमान जी का आशीर्वाद लेने। सो पंचमुखी मंदिर में आपको खुद ही आना पड़ेगा। ये देखिए ये मंदिर है, ये पीछे से इधर से एग्जिट है, ये देखिए ये बैरिगेट्स लगे हुए हैं, ये स्टील के बने हुए हैं, इधर से एग्जिट है, ये देखिए ये पूरे बाकी सारे श्रद्धालु हैं यहाँ पे। हाँ जी, सो हमारे साथ हैं मंदिर के पंडित जी। पंडित जी जय श्री राम। जय श्री राम जी। क्या नाम है पंडित जी आपका? संतोष वशिष्ठ। संतोष वशिष्ठ। सो पंडित जी मंदिर के बारे में बताइए थोड़ा। महाराज जहाँ बैठे हो ये मंदिर सर्व मनोकामना पूर्ण श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज ढाके वाले के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर करीब 500 साल पुराना है। यहाँ पर श्री जानकी दास जी महाराज द्वारा बहुत कई सालों तक तप करने के बाद हनुमान जी ने उनको दर्शन दिए। उन्होंने सभी तीर्थों से जल एवं मिट्टी ला के श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज की स्थापना की। उसके बाद साधुओं की 6 पीढ़ियों ने यहाँ पर अपनी सेवा दी। यहाँ पर हर मंगलवार को एक मेले जैसा माहौल होता है। आसपास के गांवों से लोग अपनी सेवा देने आते हैं, मत्था टेकने आते हैं। जिस किसी भाई की मनोकामना पूर्ण होती है वो यहाँ पर लंगर देते हैं, भंडारे का प्रबंध करते हैं। मान्यता किस हिसाब से इसकी? जो श्री यहाँ पर जो भी भक्त अपने मन की जैसी कामना लेके आता है श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाकी हर मंगलवार यहाँ पे मेला लगता है? हाँ, एक मेले जैसा माहौल होता है। बाकी जैसे अपना श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव है उस पर विशाल जागरण, विशाल भंडारे, रक्तदान शिविर, इनका आयोजन किया जाता है। मतलब जो सामाजिक कार्य हैं वो भी करे जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, जो जागरण किया जाता है। जी हाँ, हर साल। कौन सी तारीख को? मतलब वो होता है हनुमान जन्मोत्सव पर। हनुमान जन्मोत्सव पे जब भी हनुमान जन्मोत्सव होता है जन्मदिन पे, हाँ, विशाल जागरण, विशाल जागरण का प्रबंध होता है एवं विशाल भंडारे का प्रबंध होता है। वैसे हर मंगलवार को भी? हाँ, हर मंगलवार को जिस किसी मान भावों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं वो अपना यहाँ पर भंडारा देते हैं। बहुत अच्छा लगा पंडित जी से बात करके। एक बार पंडित जी भंडारे का वो दिखा दीजिए, कहाँ होता है भंडारे का जो हॉल है वो भी एक बार दिखा दीजिए आप। यहाँ पर लंगर शेड है, यहाँ पर भंडारे का प्रसाद बनाया जाता है, उधर लंगर हॉल है वहाँ पे भंडारे का वितरण किया जाता है। ये देखिए, ये देखिए, ये लंगर हर मंगलवार को होता है यहाँ पे लंगर। श्रद्धालु बैठे हुए हैं, लंगर खा रहे हैं, बाबा का प्रसाद, आलू पूड़ी हलवा। ये लंगर बरताने वाले, ये देखिए, यहाँ पर आप जो दर्शन कर रहे हो ये जानकी सरोवर है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं स्नान करते हैं, उसके बाद मत्था टेकते हैं। अच्छा। यहाँ पर गौशाला है, यहाँ पर गौ सेवा होती है। जो भी भक्तगण बाहर से भी यहाँ अपनी सेवा देने आते हैं लोग मंगलवार को, बाकी यहाँ पर अपने मंदिर के कर्मचारी रखे हुए हैं। इस मंदिर के प्रधान जी श्री सुखवीर सिंह एडवोकेट जी हैं, वो इस मंदिर को बहुत ही अच्छी तरह से संचालन कर रहे हैं। जय श्री राम भक्तों। जैसा कि पंडित जी ने बताया, ये देखिए ये पूरी गौशाला है, ये यहाँ पे गौओं की बहुत अच्छे ढंग से सेवा की जाती है। ये देखिए कितनी गौएं होंगी पंडित जी इस गौशाला में? तकरीबन 100 गौ हैं। अच्छा, छोटे बड़े, छोटे बड़े। आपका क्या नाम है जी? नारायण जी। नारायण जी, आप यहाँ सेवा करते हैं गौओं की? सेवा करते हैं। ये देखिए गौओं के सेवक हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ पे
100 गौ माता होंगी, 100 गौ माता है जिनकी सेवा की जाती है, बहुत अच्छे ढंग से रखरखाव किया जाता है। ये देखिए नन्हे नन्हे बछड़े भी हैं, ये देखिए। हर मंगलवार को यहाँ पे भंडारा होता है और जो हनुमान जी का जन्मोत्सव होता है उस पर एक विशाल जागरण और एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। सो जो भी भक्त अपनी सेवा देना चाहते हैं, जो भी अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, वो हनुमान जी के दर्शन करने आ सकते हैं पंचमुखी हनुमान जी मंदिर बिलासपुर में। इसको डाका बसातियों वाला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बार लंगर हो चुका है, सब दोबारा देखिए अच्छे ढंग से एक बार सफाई की जा रही है। दोबारा मतलब लंगर होगा तो मतलब एक एक लाइन में जैसे बिठा रखा है, एक बार पूरा भर देते हैं पूरी लाइन में। उसके बाद जो भी श्रद्धालु लंगर खा के जाते हैं उसके बाद ये देखिए शटर है, ये शटर बंद कर दिया जाता है। उसके बाद पूरी साफ़ सफाई की जाती है, ये देखिए साफ सफाई चल रही है, ये साफ़ सफाई चल रही है। वो उधर पत्तल देने के लिए वो बैठे हुए हैं, वो देखिए अब शटर ओपन कर दिया जाएगा जब साफ़ सफाई हो जाएगी, तो श्रद्धालुओं को अंदर बिठा के दोबारा मतलब लंगर कराया जाएगा। सो साफ़ सफाई का भी काफ़ी अच्छा ध्यान रखा जाता है। क्या नाम है जी आपका? पूनम शर्मा। पूनम शर्मा, कितने टाइम से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं 15-20 साल से। क्या मानता है, क्या श्रद्धा है आपकी? मैं जो भी मांगती हूँ मुझे मिलता है और भगवान ने मुझे सब कुछ दे रखा है। अंकल जी हस्बैंड है, क्या नाम अंकल जी आपका? राजकुमार शर्मा। राजकुमार शर्मा जी, हाँ जी। तो आप भी साथ ही आते हैं? जी जी, हर मंगलवार आते हैं कि नहीं? बीच में छूट भी जाता है, कई बार किसी काम से कहीं जाना होता है। हाँ जी हाँ जी। बाकी वैसे दर्शन करने आते रहते हैं, 15-20 साल से आ रहे हैं। बाकी आपकी हनुमान जी हर मनोकामना पूरी करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आए वैसे आप? जगाधरी बुढ़िया चौक। अच्छा, जगाधरी बुढ़िया चुग्गी से आए हैं स्पेशल बाबा जी के दर्शन करने। धन्यवाद। श्रद्धालु है हमारे साथ, क्या नाम अंकल जी आपका? सुरेंद्र बंसल। सुरेंद्र बंसल। सुरेंद्र बंसल, तो कहाँ से आए आप? कुरुक्षेत्र से जी। कुरुक्षेत्र से आए स्पेशल दर्शन करने। कहाँ से पता लगा मंदिर का? पहले से पता है कि पहली बार आए हैं? हमारी ससुराल है जी। अच्छा, ससुराल है मेरे बड़े भैया। सही, आपके बड़े भाई। हाँ जी। आपका क्या नाम है जी? अनिल कुमार, एक्स सरपंच अनिल कुमार गुप्ता। अनिल कुमार गुप्ता जी। ये आंटी जी आप वाइफ हैं? भाई क्या आपका क्या नाम है? काजल बंसल। काजल बंसल जी, तो कितने टाइम से आ रहे हैं मंदिर में? मैं तो जी दो बार आई जी। पहले दो बार आए थे? अब दूसरा हुआ है। तो पहले भी मंगलवार को ही आए होंगे? हाँ जी, मंगलवार नहीं आए थे जी पहले। इतनी कैसे श्रद्धा होगी एकदम, क्या हुआ सर? हनुमान जी ने बुलाए, हनुमान जी ने बुलाया और आप आए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देखिए बहुत सारे श्रद्धालु हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए मतलब बहुत श्रद्धालु आते हैं हर मंगलवार, मतलब भंडारा भी होता है, बहुत मान्यता है मंगलवार की जो हनुमान जी की। ये हमारे साथ मंदिर के कमेटी मेंबर हैं, क्या नाम है जी आपका? ओंकार सिंह। ओंकार सिंह जी, संखेड़ा। कौन सा जी? संखेड़ा। संखेड़ा, कौन मतलब कितने साइड से जुड़े हैं आप मंदिर से? बचपन से ही। बचपन से, क्या उम्र होगी आपकी? 57 हो गई है, मतलब बचपन से जुड़े हुए हैं तब से। आपके फादर साहब भी जुड़े होंगे? हाँ जी, पूरा पता नहीं बुजुर्गों की कई पीढ़ियां चली गई। तो क्या मान्यता है थोड़ी सी आप भी बता सकते हैं? बस ये मनोकामना पूर्ण मंदिर है बेटा। मनोकामना पूर्ण मंदिर, जो भी आता है हाँ मनोकामना पूर्ण होती है। बाकी बहुत अच्छे ढंग से आपने मंदिर का रखरखाव कर रखा है। आए मंगलवार होता है ना जी भंडारा यहाँ? हाँ, भंडारा है मंगलवार होता है, अभी कोविड की वजह से थोड़ा रश कम है। अच्छा, नहीं यहाँ तो 20 क्विंटल आटा या चावल लग जाता है एक मंगलवार को। 20 क्विंटल चावल या आटा, सब्जी उससे अलग, प्रसाद उससे अलग। किस चीज का भंडारा होता है जी? कड़ी चावल, वो श्रद्धालुओं की इच्छा पर निर्भर है ना, अभी जिस चीज का वो देना चाहे, कड़ी चावल, पूरी, प्रसाद, खीर, जलेबी, यहाँ तो सब कुछ चलता है। तो मतलब बहुत मान्यता है इस मंदिर की। हाँ। बहुत श्रद्धालु आते हैं, अभी कोरोना की वजह से जो है हाँ कम है भीड़, लेकिन फिर भी बहुत है। हाँ बहुत है, यहाँ तो 2 घंटे से पहले नंबर नहीं आवा था दर्शन के लिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। बाकी बहुत अच्छे तरीके से जो भी मेंबर साथ में जुड़े हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, पब्लिक का बहुत सहयोग है ना। वो तो है जी, श्रद्धालुओं का सहयोग होगा तभी काम बनेगा, काम होगा। बहुत बहुत अच्छा लगा जी आपसे बातचीत करके, धन्यवाद भाई। हाँ जी, मंदिर की देखा आपने कि बहुत मान्यता है, बहुत श्रद्धालु आते हैं हर मंगलवार, तो आते ही आते हैं कि काफ़ी, जिस तरह कमेटी मेंबर ने बताया कि मतलब अभी तो कम है कोविड की वजह से, अभी तो रश कम है, वरना 20 क्विंटल कहना उनका कि चावल लग जाते हैं, आटा लग जाता है इतना, तो मतलब बहुत अच्छा भंडारा होता है। बाकी यहाँ पर मतलब गौशाला भी है जो आपने देखा, जानकी सरोवर भी है। सो मतलब बहुत अच्छे तरीके से मंदिर को मैनेज किया गया है और बताया कि जैसे 500 साल पुराना मंदिर है,
बहुत पुराना मंदिर है, मुझे भी दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और मनोकामना पूर्ण मंदिर है। जितने भी मतलब श्रद्धालु आते हैं यूं ही नहीं जुड़े हुए, उनकी सच में मनोकामना पूर्ण होती है, वो तभी आते हैं। सो आप भी आएँ, दर्शन करें, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा दर्शन करके, मतलब दिल खुश हो जाएगा। हाँ कि मतलब मनोकामना, अगर आप कोई मनोकामना अपनी मानते हैं कि हमारा ये काम पूरा हो जाए, ये काम सिद्ध हो जाए, तो ये काम यहाँ पे आके ज़रूर पूरा होता है। जिस तरह आपने देखा कि बहुत ज़्यादा श्रद्धालु थे, कुछ श्रद्धालु से हमने बात की, उन्होंने बताया कि कोई 15-20 साल से जुड़ा हुआ है, कोई अभी 2 बार ही आया है, लेकिन उसकी ऐसी मतलब हनुमान जी ने बुलाया कि दोबारा आना पड़ा। हमें भी बहुत अच्छा लगा बाबा के दर्शन करके, अभी घर चलते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि हमें भी मतलब मोटिवेशन मिले, हम भी मतलब और अच्छी अच्छी वीडियोज आपको ला के दिखाते रहें, हर जगह घूमते रहें, को दिखाते रहें। सो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।